विद्यालय परिषद के नाते हमने सब जगह सत्याग्रह किए, सभी कॉलेजों के सामने लोगों को पता ही नहीं था कि आपात स्थिति क्या है, कैसे लोगों पर अन्याय हो रहे, क्योंकि सेंसरशिप थी। मैंने 25 जून को रात में, मेरे पिताजी पत्रकार थे तो वो घर आए 26 को सुबह, तब तो कहा कि आज से सेंसरशिप लगी है तो कुछ छाप नहीं सकते, तो यह हत्या लोकतंत्र की। और इसलिए फिर विद्यार्थी परिषद का यह सत्याग्रह पर्व आयोजित हुआ, हमने किया, छात्र छात्राएं सब आए और हमें कोर्ट में तुरंत आनंद भारत में तुरंत 3 महीने का DRI के अंतर्गत सजा दी थी, हमने भुगत ली। लेकिन उसके बाद जब छुट्टी की बारी आई तो तुरंत कहा कि नहीं, आपको निशा में डाल रहे हैं, तो निशा में गए। अब वहां कैसे लोगों ने सहन किया, क्या क्या परेशानियां थी, हमारे भाग्य से उस समय संचालक बाला साहब देवरस यरोड़ा जेल में थे, तो हम उनके साथ रोज बैठते थे, बात करते थे, सवाल जवाब भी होता था, लेकिन वो मार्गदर्शन करते थे, वो हमारे जीवन भर खुला रहा। उन्होंने जो मार्गदर्शन किया वहां, हमने तो उसको यरोड़ा यूनिवर्सिटी में ही तब्दील कर दिया, एक यरोड़ा यूनिवर्सिटी बना दिया। और हमें संघ के अधिकारियों ने कहा कि आप 3-4 नौजवान जो है वो इस जेल में चैतन्य साझा ऐसे ऐसे नए कार्यक्रम करें, तो क्या कुछ नहीं किया, सुबह योग से लेके प्राणायाम से लेके बाकी जिम से लेके खेल कूद तक के दौड़ा तक सब काम किए। फिर उसके बाद सारे भाषाओं के वर्ग, 13 भाषाओं के वर्ग हमने वहां चलाए, क्योंकि सभी पार्टियों के लोग थे, तो बहुत प्रोफेसर थे तो वो पढ़ाते थे, तो वो भी किए। फिर बाकी सब प्रकार की कला जिसको जो आती है उसको भी सिखाने का काम शुरू किया। वहां एक भित्ति पत्र हम निर्भय करके चलाते थे, और निर्भय करके चलाते थे वो भी बहुत जबरदस्त चला, तो एक लोकतंत्र की ज्वाला, क्योंकि किसी को पता नहीं होता था कि कब छूटेंगे, जिसको उम्र कैद होती है उसको पता है कि 14 साल की मुझे कैद हुई है, तो आप 13 साल 11 महीने 29 दिन रहे हैं, अब 13 साल रहे, अब 12 साल रहे, ऐसे उसको पता है, लेकिन हमें पता नहीं था। तब ईरान में 10-10 साल राजनीति बंदी थी और नेल्सन मंडेला को 14 साल हुए थे, तो हम बाला साहब जी को कहते थे कि इतना लंबा तो हम रहेंगे नहीं, ये दीवार क्या है, दीवार को हम तब के लाड़ लेंगे और भाग जाएंगे, ऐसा थोड़ा ही करके लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ने के लिए भागेंगे, ऐसा थोड़ा ही यहाँ जिंदगी पूरी ये करेंगे सबकी। और इसलिए तो लड़ाई का जज्बा था, लोकतंत्र का रक्षा था, और यह अन्याय था। मुझे याद है जब 18 जनवरी 1977 को इंदिरा जी ने, उस समय आकाशवाणी थी, तो आकाशवाणी से भाषण किया और कहा कि आदि ईमानदर्शी उठाएंगे, संघ के लोग वैसे ही बंदी रहेंगे, लेकिन राजनीतिक कैदियों को छोड़ेंगे, और 50 दिन में 20 मार्च को वहां इलेक्शन होगा, तो वो 18 जनवरी से 26 जनवरी को प्रत्यक्ष हम चुके। 8 दिन सभी जेलों में इतनी चर्चा हुई कि ये इंदिरा जी द्वारा गया हुआ एक ट्रैप है, क्या हम ट्रैप में फंसे, ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना धन वाहन साधन ना कैंडिडेट ना कोई। लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हो, मोरारजी हो, जयप्रकाश जी हो और अडवाणी जी हो, उन सबने निर्णय किया कि ये ट्रैप नहीं है, जनता के बीच जाने का 50 दिन का अवसर, देश में क्रांति करेगा, ये विश्वास उनका था। और उन्होंने कहा हम चुनाव को स्वीकार करते हैं और हम चुनाव लड़ेंगे, ये भरोसा। 50-70 दिनों में एक क्रांति जैसा माहौल था, कौन उम्मीदवार किसी ने नहीं देखा, कौन पार्टी किसी ने नहीं देखी, लोगों ने एक भी देखा कि इंदिरा जी ने अन्याय किया है, कांग्रेस से लोकतंत्र का गलत होता है, और उसके साथ ये एक जबरदस्त विजय कामना हुई। 20 तारीख को अद्भुत विजय हुआ, रात को रायबरेली और अमेठी का रिजल्ट BBC से घोषित हो गया कि हाँ कि वह हार गए हैं, तो देश भर में जो जबरदस्त था, रात पूरी रात कोई सोया ही नहीं, पूरा देश जाग रहा था, सड़कों पर था, और ये लोकतंत्र का जलोश था, इसीलिए आजादी पाई थी, इसीलिए आजादी पाई थी, और इसलिए एक बेहतरीन एक क्रांति के हम सब साथी।
उस समय मुझे मालूम है वो मीसा बंदियों को अलग कतार करके कुर्सियां डाल के बिठाते थे। तो संघ ने मालूम कहा कि अब ये क्रांति पूरी हो गई है, ये लड़ाई हुई है, ये एक स्पेशल क्लास है या नहीं है, ये भी उनकी मानसिकता थी। और इसलिए हम सब लोग अपने मन से कितना लोगों ने सहा है, घरों में अकेले ब्रेड विनर्स थे, अकेले कमाने वाले थे, उनकी कमाई बंद हो गई, घर वालों ने क्या क्या सहयोग किया। मैं वहां तो मेरा वही हृदय का एक छेद है ये वहां पता चला और उसका ऑपरेशन भी कर रहा था। लोगों को तकलीफ थी कि यानी दिक्कत हो रही थी कि छोड़ा दिया, पैरों भी नहीं दिया, तो फिर भी हमने जाकर सरकारी अस्पताल में किया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये भी इमरजेंसी की कृपा है, हमने जो जीती उसके लिए जो मांगे और जो किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। शिवराज जी ने पहल करके एक नया रास्ता खोला है, मुझे लगता है सभी लोग इसको स्वीकार करके बहुत बहुत धन्यवाद।